तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 66 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच के पूरे अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 19 मई को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला इंडिया में। अब बात करते हैं फिर दो टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो पहली टीम पंजाब किंग्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही, तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही। वहीं दूसरी टीम अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही है और 1 मैच जीत के आ रही है। तो टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर पंजाब किंग्स 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दो टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे पंजाब किंग्स 5 मैच जीत के आ रही है, तो राजस्थान रॉयल्स भी 5 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों इक्वली परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रही है। अब आगे बढ़ते फिर ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपटीशन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपटीशन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे पंजाब किंग्स का 40% देखने को मिल रहा है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स का भी 40% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो पंजाब किंग्स का 183 है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स का 163 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पंजाब किंग्स का 214, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स का भी 214 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो पंजाब किंग्स का 150 है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स का 59 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपेरिजन के भी मामले में दोनों इक्वली एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, मतलब कि मौसम पूरी तरह ख़राब रहने वाली है, क्लाउड्स रहेगी, पूरी तरह बादल भी हो सकती है। अगर सेल्सियस की बात की जाए तो 19.4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगी। ह्यूमिडिटी देखें तो 45% रहेंगे, वहीं 79% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहा आज का मैच के वेदर की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पर कैसा होने वाला है, तो इस पिच पर अभी तक टोटल 10 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है। क्योंकि अगर पिछली मैच की बात करें तो इसी पिच पर खेला गया था, जो काफ़ी अच्छा रन स्कोर दिल्ली के द्वारा बनाई गई थी उस अगेंस्ट में पंजाब थी। तो पिछला मैच देखें तो पिछला मैच डिफेंड में टीम जीत के आई, तो इस बार भी जो भी अगर टीम टॉस जीती है तो ज़्यादातर बैट चूज करने की संभावना कर सकती है। अगर इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो 179-80 में भी रन जा सकती है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 151-55 के रन में भी जा सकती है। तो काफ़ी अच्छे मैच हो रहे हैं इस पिच पे जितने भी अभी तक हुए हैं। उम्मीद है कि ये भी मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम पंजाब किंग्स की बात करें, नो डाउट अच्छी टीम है, बट पिछला मैच हार के आ रही हुई। अगर बैटिंग और बॉलिंग का कम्बिनेशन देखें तो यहाँ पे बॉलिंग थोड़ी सी सुधारनी पड़ सकती है पंजाब किंग्स की। वहीं अगर दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स की बात करें, नो डाउट ये भी टीम अच्छी है, बट दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छा फाइट दे सकते हैं, क्योंकि यह मैच दोनों के लिए जितना ज़रूरी है। जो भी जीतेगी वह कुछ प्लस ऊपर हो सकती है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होगा, तो आप लोग जरूर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेड एक विकेट बॉलर के फेवर में रहेंगे, वही बैटर्स स्ट्रगल करेंगे बढ़ियावल बाउंस पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम पंजाब किंग्स के की प्लेयर की बात करें तो शिखर धवन, जितेश शर्मा, लैम लिविंगस्टोन, सैम करन। वही दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स के की प्लेयर की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, टेंट बोल्ट, संदीप शर्मा। तो ये हैं दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब बढ़ते हैं आगे विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान रॉयल्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जो मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहे हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।